नीट 2024 में एग्जामिनेशन आप नहीं दे पाएंगे। जी हाँ, वो छात्र नीट 2024 में एग्जाम नहीं दे पाएंगे, उनका सपना अधूरा हो जाएगा, क्योंकि एक साल के लिए आप एग्जाम में बैठ नहीं सकेंगे। वो कौन से छात्र हैं जो नीट 2024 में एग्जामिनेशन में नहीं बैठ सकेंगे, ना ही कोई काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकेंगे, चाहे स्टेट काउंसलिंग हो चाहे ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग हो, पूरी हम इस वीडियो में आपको डिटेल बताऊंगा। क्योंकि एनटीए ने साफ साफ कह दिया है 2024 में यानी वह एक साल के लिए वो सभी छात्र बैन होंगे, और वो कौन से छात्र हैं वो मैं आपको पूरा इस वीडियो में बताऊंगा। सो गाइस, वीडियो के साथ बने रहिए। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि सही इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे। देखिये, एनटीए ने साफ साफ कहा है जब आप स्ट्रे वैकेंसी में आप पार्टिसिपेट करते हैं, आपको सीट अलॉटमेंट हो जाता है और आप सीट को आप ज्वाइन नहीं करते हैं, तो आपने जो डिपॉजिट पैसा जमा किया था वो तो जब्त होगा ही होगा, साथ ही साथ आप एक साल के लिए आप बैन हो जाएंगे, ना ही ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकिएगा और ना ही स्टेट काउंसलिंग में। तो ये ध्यान रखना है, क्योंकि अभी काउंसलिंग चल रहा है, बहुत सारे स्टेट का भी स्टेट वैकेंसी चल रही है और साथ ही साथ ऑल इंडिया कोटा का, तो सीट अलॉटमेंट से पहले आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट खास करके होने से पहले आप देख लीजिए कि क्या मुझे जो भी कॉलेज मिलेगा, चाहे वो किसी गांव में हो, किसी शहर में हो, किसी कस्बे में हो, यानी कहीं भी मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा पूरे इंडिया में, तो हम एडमिशन ले लेंगे, तभी स्टे वैकेंसी में आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे और उसके काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, नहीं तो फिर आप एक साल के लिए बैन हो जाइएगा। आप 2024 में आप नीट की एग्जाम में क्वालिफाई नहीं कर भी लीजिएगा तो आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं होगा, क्योंकि आपको एक साल के लिए बैन कर दिया गया है। सो गाइज, ये छोटी सी इंफॉर्मेशन है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि अभी ये वक्त जो है स्टे वैकेंसी वैकेंट का टाइम है काउंसलिंग का, सो इस पे जरा सोच समझ के फिलअप करें। सबसे बड़ी बात यहां पर देखिए, इन्होंने साफ कहा था, इफ द कैंडिडेट इज अलॉटेड सीट इन स्टे वैकेंसी राउंड ही सी हैज ज्वाइन अलॉटेड सीट, अगर वो अलॉटेड सीट को ज्वाइन कर दिया और वो नहीं पूरी तरह से अलॉट किया हुआ सीट को ज्वाइन नहीं करते हैं, इफ द कैंडिडेट डज नॉट ज्वाइन द अलॉटेड सीट ही सी बैन शैल बी बैरेड, यानी बैन कर दिएगा नीट एग्जामिनेशन के लिए, आप एक साल के लिए बैन होंगे, ना ही आप स्टेट काउंसिलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ना ऑल इंडिया काउंसिलिंग के लिए। तो ये बहुत छोटी सी इंफॉर्मेशन, बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन है। आप नीट 2000 अगर आप हमारी बातों को देखना है तो नीट का जो बुलेटिन जारी किया गया था 2023 के लिए, वहां जाके आप देख सकते हैं। तो गाइस, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर पहली बार आया है तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।